तेल निकालना तो अभी शुरू हुआ है, पाकीज निकलना, तेल निकलना, निकालना निकलना, मार भाई निकल चुका है, निकलता आ रहा है, निकलता आ रहा, निकलता है और निकलता रहेगा। खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है पाक पब्लिक वांट इंडियन बाइक्स, फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चलो भाई देखते हैं क्या है वीडियो में। पूरी दुनिया, खासतौर पर अगर एशिया की बात करें, नेबर कंट्रीज की बात करें, वहां पे पेट्रोल की जो कीमतें हैं, यहां पे कीमतें हैं, फर्क क्यों है? यहां हमारे ऊपर वो बैठे हैं चौकीदार फौजी, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, सारी सारा कुछ वो नहीं तो कंट्रोल जो मर्जी करे, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। वो सारी जब सारा माल चोरी हो जाता है तो आवाम को रिलीफ कैसे मिले? ठीक हो गया, कितने का पेट्रोल? 300 का लीटर, कितने का? शायद 290 का है। तो आप एक लीटर में कितनी देर ये बाइक चलेगी? आधा घंटा चल जाएगी। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे सर। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने ये लगाया अपनी सेफ्टी के लिए। मुझे बताएं, ईद आ गई है, पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी कोई नजर आई है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ? कोई नहीं मिला। कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? 290 रुपए लीटर है। ठीक हो गया, आए मजीद किसी से बात। अच्छा, ईद कैसे, मतलब क्या उम्मीद है? दूसरी चीजों में कोई कमी आएगी कीमतों में? लगता तो नहीं है, क्योंकि महंगाई आई है, महंगाई जीएसटी पर डाली है ना। नहीं, क्या वजह, हर चीज हम आईएमएफ के फैसले से क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईएमएफ का कंट्री है। जब सूद जब होएगा, सूद तो खैर बरकत नहीं है। ठीक हो गया, और पूरा मुल्क जो है ना सूद की तरफ। वैसे तो हम पाकिस्तान का मतलब क्या है? अब देखो ये चांद देखने वाले जी, क्या जरूरत थी 40 लाख लगाने की? हाँ है, एक फूट वाले सऊदी अरब फूट जा लेते ना। अच्छा, तो वो बता देते पैसे बच जाते। मेरे ख्याल से सऊदीया के साथ ही ईद होगी। होगी सही, मगर उनको तो पैसे ले जाएंगे अपने। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं नोट की है, यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं बाइक्स पे, लेकिन अंकल ने ये जो सा प्रॉपर हेलमेट भी पहना है, कोई अपनी सेफ्टी के लिए भी रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत शुक्रिया अंकल जी। लेकिन ट्रिपल डबल सवारी का ट्रिपल सवारी आप कर रहे हैं, जो कि गलत है। चले आज अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं क्या? अभी फिट पार्ट पेट्रोल डलवा लिया? जी जी, प्यारे भाई पेट्रोल डलवा लिया आप, माशाल्लाह आप आ गए, आपने मौका दे दिया हमें बात करने का। नहीं, हम तो चाहते हैं लोगों से बात की जाए। मुझे बताएं गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेट्रोल की कीमतों में कमी, मतलब ईद का कोई तोहफा ईदी दी हो? देखे गवर्नमेंट ने ना मेरी बात सुने आप और समझे। अच्छा, अभी यहाँ पे आपकी उम्र कितनी है? 23-24 साल? 25 साल। 25 साल, ठीक है। आप 25 साल उम्र है, 25 साल और गुजारेंगे, आपकी उम्र हो जाएगी कितनी? 50 साल। जी। आपके 4 बच्चे हैं। जी। आप अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, आप दुनिया से रुखसत हो? जी जी। आपके बच्चों के पीछे से आपके बच्चों के पास क्या होगा? ठीक है, बच्चों के पास क्या होगा? नहीं होगा। यही अगर आप अमेरिका चले जाएं, 60 साल के बंदे की सोशल सिक्योरिटी इनकम कितनी है? $12,000। ऐसे ही है, ऐसे ही। पेट्रोल कितना वहाँ पे सस्ता आप? अच्छा, आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ये साथ नेबर कंट्री इंडिया में चलेंगे? इंडिया में बहुत सस्ता, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली वहाँ पे बकायदा प्लांट लगाते हैं। अगर हम जाए रिफाइनरी प्लांट, हाँ जी, वो पाकिस्तान में क्या लगाया इन्होंने? ठीक है, भी नहीं लगाया। अच्छा, इंडिया में भी पेट्रोल अपना नहीं है, मतलब ना पाकिस्तान में अपना है, ना इंडिया में, लेकिन वो जो है वो रशिया से लेते हैं, ईरान से लेते हैं, अपनी पब्लिक को रिलीफ देते हैं। पर इधर क्या रिलीफ देते हैं? अभी उसने बिजली 4 रुपए यूनिट महंगी किया, देखा 2-3 दिन पहले 10 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। तो यहाँ पे आपको रहते हुए कोई फर्क? अब मेरी बात सुने, एक और बात। जी जी। यहाँ पे अगर आप किसी बंदे को रैंडम पकड़े, उससे पूछें भाई आप क्या काम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं आप ही बता दें। मैं बेसिकली मेरा बड़ा भाई बाहर होता है। आप कुछ नहीं करते, तो आपको हमें भी तो करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। मेरा बड़ा भाई बाहर होता है, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें सारी जिंदगी खिलाऊंगा, तुमने कुछ भाई ये क्या बात है, आपको बेहतर चीज है। मेरे भाई ने मेरी अभी रिसेंटली शादी करवाई है, 26 फरवरी को मेरी शादी हुई है रिसेंटली, वो सारी मेरे भाई ने करवाई। एक शादी पे कितने पैसे लग जाते हैं एवरेज? 15 लाख लगा। 15 लाख रुपया लगा। मुझे बताए क्या फर्क क्या है, मतलब पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में, क्या वो लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे आ रहे हैं, क्या इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? हम एग्री करते हैं। ये जो है ना, ये सबसे पहली बात, ये जो है जहालत जो है, एजुकेशन की कमी। यहाँ पे अब पढ़े लिखे कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं? कोई नजर नहीं आ रहे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो
आपको देख के पता चल जाएगा ये डिसेंट फैमिली है। ठीक हो गया, ऐसे नहीं पता चले। अगर आप मेरे पास बाइक है ना, मेरे पास गाड़ी हो, आप मेरे से आके पूछें जी आप क्या काम करते हैं। एक बंदे की तनख्वाह हो ना पाकिस्तान में, आपको लगता है किसी की तनख्वाह 10 लाख? नहीं, 10 लाख तो बहुत मुश्किल है। 5 लाख? नहीं, 5 लाख शायद कुछ गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर हो, अदरवाइज मतलब 5 लाख ऊपर की भी तो कमाई डालो ना, 20,000 वो और बाकी ऊपर की कमाई। ठीक है, तो अब वो काम क्या कर रहे हैं ऐसे दुनिया से अनोखा, हमें भी बताएं ना, हम भी करें। हाँ बिल्कुल, यही चीज है, मतलब मकसद ये है कि सीखना चाहिए। यहाँ तो उनके वालदैन जो उनसे गवर्नमेंट अफसर है, या वो कतर में है या कवैत में है उनके वालद साहब, तो वो उनके पास गाड़ी है। ठीक हो गया। मेरे वालद साहब माशाल्लाह आर्किटेक्ट है, इतने साल उन्होंने दुबई गुजारे हैं। ठीक है, ठीक है। और एक और बात, जिनकी हलाल की कमाई है उनके पास गाड़ियाँ इतनी जल्दी नहीं आती। गाड़ियाँ जल्दी नहीं आती, वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आती है? बेहतरी की हमें कोई उम्मीद नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरह अमेरिका चले जाए, पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान से प्यार नहीं है? पाकिस्तान से प्यार है। हाँ। पर हमारी आने वाली नस्लों को तभी तो देखे ना, उन्हें भी बचाना है, उन्हें भी तो बचाना है। अब आपको एक दूसरी बात नहीं, अच्छा एक और चीज है कि हमने पाकिस्तान लिया किस लिए था कि भाई हम अपनी नस्लों को बचाएं। आज हम पाकिस्तान से जा रहे हैं कि अपनी नस्लों को बचाएं? क्योंकि हम इन्होंने आजादी ली थी जी, हम आजादी के साथ जिंदगी गुजारे। ठीक है, इन्होंने अमेरिका से आजादी ली, अंग्रेजों से आजादी ली, जाके ये कर तो अंग्रेजों की गुलामी रहे हैं। अच्छा, बस इंडिया से लग हो गए, बाकी गुलामी ले। हालांकि उनके अंदर होते ये बहुत ऊंचे होते, इनको भी 12,000 इनकम मिलती, 500 मिलता ना डॉलर हो गया, यानी इंडिया वाले बेहतर हैं काफी आता। बहुत माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, अमेरिका वाले भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी थोड़े हालात बेहतर होंगे माशाल्लाह। ये हम भी अच्छे हैं, मतलब पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, लेकिन जो यहाँ पे पॉलिसी है जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है वो थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। बहुत शुक्रिया, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया अपना, कोई मसला नहीं, आइए। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? रेहान। क्या है रेहान भाई, पेट्रोल डलवाने आए बाइक में? कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए का कितने रुपए लीटर है पता है? आजो आजो, टाइम ना वेस्ट हो, कितने रुपए लीटर है? 290। तो 100 का कितना डलेगा? इतना सा इतना ना डलेगा। लेकिन क्या समझते हो, ईद आ गई है, कोई रिलीफ मिलना? अच्छा, पिछली बार मैंने कोई ऐसी वीडियो की थी तो उसमें मैंने पेट्रोल का रेट बताया कि भाई ठीक है वहाँ पे 290 है और यहाँ पे भी 90 है, तो करीब करीब जो करेंसी डिफरेंस है वो करीब करीब बराबर का हो जाता है। तो मेरे एक दर्शक है, अब नाम भूल गया मैं, उन्होंने बकायदा, वो मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, तो उन्होंने बकायदा, नाम भूल गया भाई आपका तो इसलिए सॉरी, तो उन्होंने बकायदा भेजा वो पूरा कैलकुलेशन करके कि आप देखो कि यहाँ के लोग कितना कमाते हैं, वहाँ के लोग कितना कमाते हैं, मतलब उनकी इनकम कितनी है, उनकी इनकम हमारी इनकम कितनी है, उनके उनकी खर्च करने की पावर कितनी है, हमारी खर्च करने की पावर कितनी है, परचेजिंग पावर उनकी कितनी है, हमारी कितनी है। तो उस लिहाज से वो सारा जो जो एक्चुअल कॉस्टिंग बैठती है वो इंडियन रुपीज़ में 138 की बैठती है पाकिस्तान की, ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया था। कमेंट करके अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप बता दीजिएगा कि आप ही हैं वो, 138 रुपीज़ की बैठती है अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं तो। तो अगर ऐसा देखा जाए तो भाई पेट्रोल सस्ता है यार, हमारे यहाँ 94 रुपये लीटर है और वहाँ पे 138 रुपये, अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए 138 रुपये लीटर हो जाएगी, फ़र्क तो है बॉस, 40-45 रुपए का फर्क, तो बहुत बड़ा फर्क होता है। मिलना चाहिए था या नहीं? हाँ, इनसे उम्मीद नहीं है। चले खान साहब से उम्मीद। आए आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। आपका नाम? याजिल हुसैन। भाई ईद आ गई है, पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी या बढ़ा है? पेट्रोल बढ़ नहीं है, पाकिस्तान है चोर बुजारी लगी रहे। अच्छा, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है? बेहतरी हो ही नहीं सकती, सारी जिंदगी नहीं होता। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ, जिससे भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं है कि यार पता है कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़नी पड़नी है, इनमें कोई कमी तो आनी नहीं है, मतलब अब आती हो चुके हैं पाकिस्तान की पब्लिक खास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल जी आप? मुझे ये बताएं, ईद में भी ठीक ठाक ईद आ गई है और कोई गवर्नमेंट की तरफ? वो पीछे मारुति 800 जैसी कुछ चीज दिखी मुझे, वो सुजुकी शायद उनके यहाँ कहते हैं, वो 800 की तरह ही दिखी। मारुति 800 ऐसी वाली तो हमारे यहाँ जमाने पहले मैंने देखी थी, बंद हो चुकी है, अब तो नजर भी नहीं आती सड़क पे, मतलब किसी ने शौक से रख रखी हो पुरानी याद के लिए तो ठीक है, वरना मतलब मुझे याद है हमारे एक मित्र हैं, उनके पास एक ग्रीन कलर की मारुति 800 हुआ करती थी। तो ये बात है कब की, ये बात है 2006-07 की बात होगी, ये तब उनके पास एक ग्रीन कलर की मारुति हुआ करती थी, 2006-07 में, मतलब आज से 16-17 साल पहले।
तब उनके पास हुआ करती थी, वो भी उन्होंने साल दो साल और चलाई, उसके बाद फिर गाड़ी चेंज कर ली। और मैं आज पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि वही वाली गाड़ी घूम रही है अभी। तरफ से कोई तोहफा, कोई ईदी, कोई पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई हो? ऐसा तो कुछ नहीं, अगर आपको पता है, आपके नॉलेज में है तो बता दे, हमें तो नहीं पता। अच्छा, आज साथ आके भी आज ताकि आपकी बात तो महंगाई का मिल रहा है मुसलसल। अच्छा, और इसी भी आप समझ लें कि अभी मेरे ख्याल 4 रुपए और कुछ पैसे यूनिट भी बढ़ गई, बिजली भी बढ़ गई और पेट्रोल भी 10 रुपए बढ़ा 4-5 दिन पहले। इसे आप ईदी कह लें या फिर रिजर्व कह लें, ठीक है। क्या वजह समझते हैं दूसरे कंट्रीज में तो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, खासतौर पर बिजली की कीमतों के ऊपर कंट्रोल है काफी हद तक, अगर नेबर कंट्री कोई देख लें, यहाँ पे और वहाँ पे फर्क क्या है? सर देखिए, बात ये कि अब जब जो सपोर्टर है इमरान खान के, ठीक है, उनसे बात करें तो वो कहते हैं वो बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है, ठीक है। और जो सपोर्टर है इसके नून के, काफ के, बे के, जिसके भी है, जिसके हर बंदा वो उसी के गुण गाता है। कितने का पेट्रोल डलवाना चाह रहे हैं? कितने पैसे भी सब दे रहे, कितने पैसे दिए? 300 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप, अंदाजा कर ले। ये तो 1 लीटर डलेगा सर, 1 लीटर में बनेगा क्या? कुछ भी नहीं बनेगा सर, ठीक है। 200 का, हाँ जी 200 का पेट्रोल डलवा रहे, क्या करे सर? कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही सर? नहीं, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं आएगी मैं आपको, लेकिन ये ऐसे ही गुजारा होता है। अवाम को ही कुछ करना पड़ेगा, जब तक अवाम बाहर नहीं ना निकलेगी कुछ नहीं हो सकता। ये हुक्मरान अवाम बाहर निकली थी, पता क्या हो गया सर? ये तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है। डल गया पेट्रोल, डंडे खाने पड़ेंगे सर, डंडे नहीं ना खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मतलब एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू भी तो चेंज हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा, पॉसिबल नहीं है। इंकलाब भी आया तो फिर ही है सर, उसके अलावा कोई हाल नहीं। ये आपकी यही बात मैं कहता हूं तो आप लोग मानते नहीं हो। मैं कहता हूं कि घर में मत बैठो, घर से बाहर निकलो, प्रोटेस्ट करो, सड़कों पर उतरो। आप लोग सुनते ही नहीं हो मेरी बात, आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को भड़का रहा हूं। अब देखिए, एक पाकिस्तानी खुद कह रहा है ना कि ऐसे नहीं होगा, इनकलाब चाहिए, लाओ इनकलाब भाई। ओपिनियन है लेकिन मैं तो कहता हूँ एजुकेशन के थ्रू चेंज नहीं सकता सर। मैं कहता हूँ सारी जिंदगी भी आप लग जाए, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम सब बाहर ना निकलेंगे। इनको हम रिजेक्ट नहीं ना करेंगे, इमरान खान को, नवाज शरीफ को नहीं। अच्छा, इमरान खान को भी रिजेक्ट, नवाज शरीफ सर, ये सारे चोर है, ये सारे चोर है सर। नहीं नहीं, फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा सर? गवर्नमेंट कौन चलाएगा? कोई अच्छा नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, वो गवर्नमेंट चलाए। ये बाइक कौन सी 125, ये तो पेट्रोल भी बड़ा खाती है। तो सर क्या करे, शुरू से ली हुई है, अल्लाह का वली आया थे आज, आपका नाम? मोहम्मद हनान। क्या करते हैं हनान भाई? टीचर। टीचर हैं, जबरदस्त। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सबसे पहले तो ये बताएं क्या वजह है कि पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एज ए टीचर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा माशरती मसला है, पिछले 75 साल से जो हमारी तारीख रही है, ठीक है सर, ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, सियासी और जो हमारे मामलात रहे हैं अब तक के, तो इस्तेहकाम तो आ ही नहीं सका, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती हैं, हमारे जो है पॉलिटिकल क्योस हो सकती है, ठीक है। इस तरह के कई एक मामलात हैं जो एक जो है वो दीमक की तरह चाट गए हैं इस मुल्क को, और उसमें जो सबसे ज्यादा दुख की और फिक्र की बात है वो ये है कि एहसास भी नहीं है खास पॉलिटिशियंस में या हुक्मरानों में या हम में, पब्लिक में ओवरऑल ही नहीं है। नहीं, पब्लिक का, पब्लिक गरीब को तो रोटी चाहिए, पब्लिक उस वक्त कसूरवार है या उस वक्त जिम्मेदार है जब आप उसे वो फैसिलिटीज दें और वो उसे अवेल ना करें, ठीक हो गया। पब्लिक को तो, हाँ पब्लिक को तो फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो पब्लिक इस तरह से जिम्मेदार है? पब्लिक तो वो गुर्बत और उसकी चक्की में पिस चुकी है, ठीक है। ईद का दिन आ गया और आपने बोला 75 साल से ये हमारा एक मौशी सोशल इशू है, ये सोशल इशू को हल कैसे किया जाए? और 75 साल पहले जहाँ जिनसे हम अलग हुए थे, आज वो किधर है? पेट्रोल की कीमतें वहाँ पे क्या है, आटे की कीमत वहाँ पे क्या है, बिजली की कीमत वहाँ पे क्या है, और हमारे इधर क्या है? नहीं, जिनसे हम अलग हुए हैं, इसमें दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके साथ हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अलग क्यों हुए थे? इसी बेस पे हुए थे ना कि भाई वो तो हमें काम नहीं करने दे रहे, हम अलग हो गए, अपना पूरी दुनिया में नाम बना देंगे। वो जो भी फैक्टर्स थे वो हमारा, ठीक है, वो नजरिया था जिस पे हम अलग हुए, ठीक है, और वो दो कौमी नजरिया जरूरी भी था, ठीक है, लेकिन अलग होने के बाद जो कुछ हुआ है वो मुनासिब नहीं, मकसद पूरा हो गया, अभी तक भी नहीं हुआ और आगे होता नजर भी नहीं आ रहा। नजर भी, एज ए टीचर क्या कहना चाहेंगे अगर लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि भाई पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, महंगाई हो गई, जितने भी सोशल इश्यूज हैं ओवरऑल, उनका हल क्या है? क्या आप हल बताएंगे? एजुकेशन, अवेयरनेस या कुछ और इनकलाब टाइप?
हमारे जो 7% की एलीट है ना, जो अशराफिया बैठी हुई है, वो जिस शक्ल में भी बैठी हुई है, ठीक है, उसे अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो डेमोक्रेसी में है, चाहे वो जिसमें भी है, जिस भी फॉर्म में बैठी हुई है, जो बैठे हैं उन्हें पता है, ठीक है, वो अगर अपने आप को रिफॉर्म करेंगे, अपने ज़हन और ज़हनियत को बदलेंगे, तो तब भी इस मुल्क का कुछ बेहतर हाल निकल सकता है, वरना मुश्किल है, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह खैर करेगा, रब से तो हमें उम्मीद है ही है आखिर में, ठीक है, लेकिन जो है वो कोशिश सबको उनको करनी चाहिए कि वो इस चीज को रिफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया। और देखें, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, देखें फिर भी एक खुशी एजुकेटेड किसी भी पाकिस्तानी से बात करके ये होती है कि बड़े एहसन तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, और ये भी कहा कि उम्मीद बेहतरी की रखनी चाहिए। इस बाइक की कीमत क्या है आजकल? बाइक की कीमत तो जो है वो ऐसी है कि जिसने ले लिया को 2 साल बाइक दिखाए। अच्छा, 1500 का लगता है, ईद के लिए फुल तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं बाद में मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा। चले, अच्छा बाइक की कीमत क्या बता रहे थे? ये होगी अभी 2.5 लाख की होगी, ये 2.5 लाख की, इससे ज्यादा है मेरे ख्याल से, लेकिन चले खैर, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास मलिक। क्या करते हैं मलिक साहब? मैं बिजनेस भी करता हूँ और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। ओ जबरदस्त, देखें जी, टू इन वन है, मतलब बिजनेस भी, बिजनेस क्या कर रहे हैं? बिजनेस ऑनलाइन काम है बुक्स का। ठीक हो गया, जबरदस्त। और यूट्यूब पे क्या क्या कंटेंट बनाते हैं? यूट्यूब पे मैं बिजनेस के वाले से वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, बिजनेस के आइडियाज देते हैं? जी, आइडियाज देता हूँ, शॉप पे जाता हूँ उनके, जैसे लेडीज ब्रांड है, ठीक है, उनके ब्रांड को प्रमोट करता हूँ। आप अपना बिजनेस कैसा चल रहा है, दूसरों को आइडियाज देते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप बहुत अच्छा है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पेट्रोल ईद आ गई है और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ईदी मिली हो, बाइक की कीमतों में कमी आ गई है, सर आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या कीमत है, इंडिया में पेट्रोल की क्या कीमत है, पाकिस्तान में क्या कीमत है पेट्रोल की? 290 291, ठीक है, और अभी ये बढ़ी है, 3-4 दिन पहले 10 रुपये बढ़ी है, क्या वजह समझते हैं क्यों कीमत बढ़ रही है? बस इकोनॉमिकली आपको पता है, मुल्क में जब भी अप्स एंड डाउन आते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में जब भी अप्स एंड डाउन आते हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली जो है ना इफेक्ट पड़ता है। नहीं ये ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जब कीमतें बढ़ती हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, कीमत बढ़ेगी, लेकिन इंडिया में कीमतें नहीं बढ़ रही उस तरीके से, बढ़ती होंगी वहाँ पे भी, लेकिन उस तरीके से नहीं, उन्होंने बड़े टाइम से 80 to 90 95 के राउंड अबाउट अपने पेट्रोल को फिक्स रखा हुआ है। उसकी क्या रीजन है? I have no idea about this, so I can never suggest anything about this. ठीक है, ये बाइक की क्या कीमत है? ये तो बहुत महंगी हो गई है। कितने की? ये तो पुरानी है, वैसे जो 125 वो आपको पता है 250 के भी मेरे हाल ऊपर होगी। 2.5 लाख की? हाँ। ओह, अच्छा आप लोग जहाँ से देख रहे हैं, 125 सीसी की बाइक 2.5 लाख रुपए की, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो 350 सीसी की, 350 सीसी की बुलेट आ जाएगी 2.5 लाख रुपए में, और शानदार गाड़ी आ जाएगी 2.5 लाख रुपए में, तो जबरदस्त बाइक आ जाएगी। देखते हैं, अपनी भी आप बताइएगा कि जहाँ पे मतलब 125 या 150 सीसी जो बाइक है उसकी क्या कीमत है आपके वहाँ पे, चाहे इंडिया से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो बताइएगा क्या ये भाई ने कीमत ठीक बताई है, कोई बेहतरी की उम्मीद कि मतलब कीमतें कम हो जाए, कोई मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए? मैं थोड़ा सा सोसाइटी को इस तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। जी बताएं जरूर। तो मैं एमफिल भी कर रहा हूँ साथ। जबरदस्त। मैं इस तरह देखता हूँ इसको कि इंसान को ना ये नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ये कर दे, फलाना ये कर दे, इक्वल आपका सका भाई कुछ कर दे, ठीक है, नेवर, इट्स ऑल ऑन योर, आपने करना जो आपने करना, जो करना है आपने करने से मुराद ये है कि आपने अपने हालात खुद बदलने हैं। गवर्नमेंट में देखे ना, अभी जब 150 रुपया पेट्रोल था, ठीक है, तब तो बड़ी चीखें निकल रही थी, तब ये कह रहे थे पेट्रोल ज्यादा महंगा है, 300 रुपए तो कोई बोल ही नहीं था, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, लोग बड़े बकायदा प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं आई। यू कैन आई थिंक नेवर कंपैरिजन टू, अगर 150 वाला जो टाइम था उस टाइम जितना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शोर था, मेरा ख्याल है 300 में इतना ज्यादा नहीं अभी है, शायद आपके अकॉर्डिंग। इसका मतलब है अवेयरनेस नहीं लोगों में? अवेयरनेस नहीं, लोग या लोग लोग मेरे ख्याल से बोल बोल के थक गए हैं, अब लोग बोलने ही नहीं चाहते, लोगों को समझ आ गई कि बोलने का फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो होना वो होना ही है। तो ऐसे देखिए, कंट्रोल किसी और के पास है ना, फौज के पास है कंट्रोल। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा एक वीडियो आया है, बलूचिस्तान से आया है, और अब बात नहीं होती कि फेक वीडियो है, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि वहां से जो यहाँ के फौजी हैं पाकिस्तान को, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं ईरान से तेल स्मगल करके, और स्मगलिंग में किसको लगाते हैं, बेचारे उन मासूम बलूचों को जिनके ऊपर उनका डंडा बरसता है।
बलोच डर जाते हैं बेचारे, उनके बच्चे जो है वो स्मगलिंग करते हैं जान पर खेलकर, और इसका एक वीडियो आया है देखिए। ये सर डीजल है सारा, ये सर देख रहे हो गरीबों का जो फ्यूल है, ये तमाम गरीब मजदूरों से यहाँ के बलोच मजदूरों से जा कर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है, बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर आया है, उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी, रोग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसा ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। बलोच दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं, मैं पूरे बलोचों को कहता हूँ अगर किसी का तेल पकड़े रोड बंद करो, सड़कें बंद करो, और मेरा भी वीडियो करो, करो वीडियो करो, जाके अपने बच्चों को खिलाओ सबको, फिर ये करो वीडियो, ये तेल देखो, ये गरीबों के मंशियात नहीं है, रोजाना या मंशियात जा रहा है, रोजाना या चर्च जा रहा है, रोजाना चर्च जा रहा है हमारे साहब से, रोजाना बोट्स में चर्च जा रहे हैं, अफ्यून जा रहे हैं, रोजाना जा रहा है, लेकिन ये इनको ये इसमें बड़ा देख लिया आपने। ये है आपकी असलियत, आपके फौज की असलियत। अब इंटरनेट का जमाना है ना, अब धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा, धीरे धीरे कितना भी छुपाएंगे कहीं ना कहीं से कोई चीज लीक हो ही जाएगी, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती जाती है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है, वहीं का बंदा शायद, ये मुझे लग रहा है कोई कुछ है एमपी एमपी कह रहा था मैं हूं, वो बता रहा है, बताइए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोग आंखों पर पट्टी बांध के बैठे, नहीं नहीं हमारी फौज तो ऐसी है और वैसी है और ये करती है वो करती, फौज का इसमें कंट्रोल पर कुछ। अरे भैया फिर कहता हूं, घर पे बैठे रहोगे उसके हाथों की कठपुतली बने रहोगे, घर से बाहर निकलो, प्रोटेस्ट करो, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलो, उसके लिए कि अपने आने वाली नस्लों को तो ठीक चीज दो, वरना ऐसे ही रहोगे, चिल्लाते रहोगे, चिघाड़ते रहोगे। अंकल ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें, ये बाइक की कीमतें, ये क्यों बढ़ रही हैं दिन ब दिन? आपका तो इतना मतलब एज है, क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या तजुर्बा आपका कहता है? इस मुल्क में कोई निजाम नहीं है। अच्छा जी, कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आता जो भी कंट्रोल करे, अपनी जेबें भर कर जा रहे हैं। ठीक है, महंगाई इस दुकान का, हर दुकान वाले का अपना रेट है, वो 300 वाली चीज का 5,000 मांग रहे हैं। नहीं, एक बेसिक सवाल जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में और हर जिससे भी बात करता हूँ से पूछता हूँ कि ये बताएं, 1947 में हम अलग हो गए, ठीक है, इंडिया से अलग हो गए, आज वो कैसे आगे चले गए, आज उन्होंने कैसे कंट्रोल कर लिया? उनका हुकूमत में अपने कंट्रोल है, उनके मुल्क में कंट्रोल है, बांग्लादेश बाद में हमसे जुदा हुआ है। हाँ, बांग्लादेश ना, चाइना है जो पूरी दुनिया पे छाया, उनका जो सदर है साइकिल पर कहते आता है। ठीक हो गया जी। और हम किसने कह दिया शी जिनपिंग साइकिल पर आता है? भाई ये भी चूरन है, आजकल पाकिस्तान में सुन रहा हूँ, ये दूसरी या तीसरी बार सुन रहा हूँ मैं कि चीन का जो सदर है वो साइकिल पर आता है। भाई बिल्कुल नहीं है, शी जिनपिंग का प्रोटोकॉल देखा आप लोगों ने? पूरा एकदम चलता है पूरा प्रोटोकॉल के साथ। भैया जिनपिंग को छोटा मोटा आदमी नहीं है, साइकिल पर आता है, और आप लोग मान भी लेते। अब बताइए इन बुजुर्गवार ने मान भी लिया कि उनका साइकिल पर सदर आता है चीन का? मैंने तो नहीं देखा यार कभी शी जिनपिंग को साइकिल पर चलते हुए। हमारे जो सदर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जहाजों पे, उनके जो लंदन में फ्लैट हैं, मुल्क का लूट लूट कर खा के, ऐसा कोई अच्छा आदमी नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा, क्या समझते हैं कोई, आपको लगता है कि ज्यादा देर सरवाइव? ये महंगाई की है इसलिए कि गरीब का इतना हमारे तरफ ध्यान ना हो, अपनी रोजी में पूरा रहे। ठीक हो गया, इतना किसी के पास टाइम ही नहीं अपनी दिहाड़ी कमाएगा के वक्त जाया करेगा। आज पेट्रोल की कीमत यहाँ 300 रुपए यानी 290 के राउंड अबाउट है, और दूसरे एशिया के कंट्रीज की बात करें वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें ऑलमोस्ट कम है यहाँ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या रीजन है? बस इधर कोई कानून नहीं, कोई जज को नहीं मार रहा, कुछ भी कोर्ट को नहीं मार रहा, कुछ नहीं, हमारे मुल्क का निजाम कुछ भी नहीं है। अच्छा ये देखें, चाहे कोई मतलब किसी सीनियर से बात करें, किसी यूथ से बात करें, या किसी से भी बात करें, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे निजाम नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे निजाम नहीं है? निजाम है, निजाम मैं कहता हूँ निजाम है, मतलब यहाँ पे नहीं निजाम है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। मैंने आपको देखे पहले भी कहा है कि आपको खुद पहले अपना ऑन पर्सनल तौर पे चेंज लेके आना, खुद को चेंज करना, इंटरनल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब सोसाइटी को समझ ही नहीं रहे, जब आप आपको पता ही नहीं आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, नॉर्मल बंदे को नहीं पता, जब है जरूर है, ठीक है, नहीं फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में मजाक की बात है। चलिए
छोड़ते हैं वीडियो और बातें मोटा मोटी हो गई हैं। देखिए, अगर आप लोग भारत के काम करने का तरीका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पेट्रोल डीजल पर मार चल रहा है, कीमतें बढ़ेंगी, आगे आने वाले वक्त में भी बढ़ेंगी, सब कुछ ठीक है। हमने पिछले 5 साल में क्या किया है या पिछले कुछ सालों में क्या किया? देखिए, सबसे पहले हमने स्टेप किया जो हमारे बड़े शहरों के जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने की, हम बिजली पर लेकर आ रहे हैं, सीएनजी पर लेकर आए, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक घुस रहे हैं, अब आसपास मेरे इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स की तादाद बढ़ने लगी है। जितनी बाइक्स मैंने अभी देखी है पाकिस्तानी पेट्रोल पंप पर, वैसी एक भी बाइक अब हमारे यहाँ नहीं चलती है, शायद 15-20 साल पहले से बंद हो चुकी है। हमारे यहाँ सारी अब लेटेस्ट बाइक्स हैं, पेट्रोल में भी और उनमें भी। अब बिजली वाली बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, बैटरी से चलने वाली, अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, जब जाता हूँ मैं पार्किंग में नीचे देखता हूँ बाइक्स खड़ी रहती हैं, तो वहाँ पे अब बिजली वाली बाइक्स की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है पेट्रोल डीजल पर। आप इस पॉइंट को समझिए, बहुत दूर की बात है ये। हमने हाइड्रोजन फ्यूल निकाल लिया है, उससे अब हम बसें चलाना शुरू कर दिए हैं, हमने पता ही नहीं आपको। सोलर का इस्तेमाल हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, अभी पीएम का भी बयान आया था पिछले महीने, सोलर पावर हम बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े सोलर पार्क लगा रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो, पावर की जो नीड है वो कम हो उस पे, पेट्रोल और डीजल पे। जब बाइक्स इलेक्ट्रिक होने लगेंगी, गाड़ियां, कार, कार की तो बात ही नहीं, मैंने कार अब इलेक्ट्रिक दिखने लगी है मुझे, कार इलेक्ट्रिक होने लगेंगी, ईवीज पे आ जाएंगे, बसें बैटरी वाली आ गई हैं, दिल्ली में बैटरी वाली बसें चल रही हैं, मुंबई में बैटरी वाली बसें चलने शुरू हो गई हैं, कई बड़े शहरों में बिजली वाली बसें चलने, जम्मू कश्मीर में बैटरी वाली बसें चलने लगी है भाई, इलेक्ट्रिक बसें। आप इस चीज को समझिए, देखिए हम जो विजन बनाते हैं ना बहुत लंबी सोच के बनाते हैं। धीरे 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 हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल डीजल पर कम हो रही है, तो हमारे यहां पेट्रोल डीजल की डिमांड कम होने लगेगी, हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा, कितनी बड़ी बात होगी। और आपके यहाँ जो बाइक्स मैंने देखी हो तो फटीचर बाइक्स हैं, हम तो रिटायर कर चुके हैं 25-30 साल पहले इन बाइक्स को। अब जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है वो देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है वो देखिए, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्रेन तो कब से चल रही है इलेक्ट्रिक हमारी, सोचो सोचो। ये होता है विजन किसी देश का चलाने का, उसकी पॉलिसीज होती हैं, उस पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे हैं। हमें डिपेंडेंसी घटानी है पेट्रोल डीजल पर। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो खर्चा होता है ये पेट्रोल डीजल पे होता है, हमारा ईंधन पे खर्चा होता है। तो आने वाले 25-30 साल में अगर हम ये कम कर पाए तो कितनी बड़ी जीत होगी हमारे लिए, सोचो। पाकिस्तान का तो खैर पता नहीं है, पाकिस्तान में तो हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, और अभी तो 290 कुछ भी नहीं है, ये 490 पे जाएगा पेट्रोल डीजल की कीमतें, आपके यहाँ 490 पर जाएंगी, ये देखिएगा। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी और बढ़ेंगी। अभी मैं खबर पढ़ रहा था आपके यहाँ कि IMF से अब दोबारा कर्जा लेने की वो शुरू हो गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है आपके यहाँ से कि अब हम दोबारा कर्जा लेने वाले हैं, IMF से और ज़्यादा मांग रहे हैं कि भैया दे दो। जब कर्जा आएगा फिर से आपके रेट्स बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल बिजली गैस ये सब रेट्स बढ़ जाएंगे, और जैसे इनके रेट्स बढ़ेंगे आपके खाने पीने की चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो महंगाई तो अभी और बढ़नी है पाकिस्तानियों, बहुत ज्यादा। तो और करो नफरत और चिल्लाओ कश्मीर कश्मीर, हमारा भला है, अपने आप खत्म हो रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सर्दी जुकाम और फीवर हो गया था, इसलिए बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहा, गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा कम ही बोल रहा हूं। तो एक आध दो दिन और बेयर कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर से सही हो जाएगा मामला। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। रामतला वीडियो देखी, वो आर्मी के जवान कोस्ट गार्ड खड़े थे और कैनों के अंदर पेट्रोल और डीजल और मंशियात भर भर के आर्मी की सरप्रस्ती में जा रही हैं। ये है तुम्हारे पाकिस्तान की औकात, तुम्हारे नहीं, ये है आर्मी के पाकिस्तान की औकात, हमारा पाकिस्तान कोई नहीं। बिल्कुल, देखें हम गुलाम हैं उनके, गुलाम।
यार ये जब बातें करती हैं कि हम दहशत गर्दों को मारेंगे या मार रहे हैं वजीरस्तान में, तो मैं कहता हूँ कोई भी दहशत गर्द नहीं है, ये खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही इन्होंने बनाया हुआ है, कहानी फिट की है। ISPR ने ISPR के मुताबिक 30 दहशत गर्द मारे गए हैं, इतने दहशत गर्द, सारी झूठी कहानी होती है। और जवानों को बताते हैं कि जवान हमारे सिर्फ 2-3 मारे जाते हैं, हकीकत में बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। देखें कि ये बलोचिस्तान का खून चूस रहे हैं, उन बलोचों के बच्चों से ये काम करवा रहे हैं, खुद उधर से समग्र करवाते हैं और अरबों रुपया डेल के कमाते हैं भाई। NLC के पता कहाँ पे, मेरा बोल के मेरे वाले साहब का कज़न थे, वो लगे थे एयरफोर्स में, तो उनसे एक मरतबा काफ़ी मेरी लंबी बैठक हुई, मीटिंग हुई, और अभी साथ में उनका घर है, उतना बाद टाइम नहीं किसी को देते, फौजी हैं सारी बात है थोड़ा सा इस लिहाज से, तो फौजी नहीं लेकिन एयरफोर्स में थे, चलो वो भी फौजी है, फौजी। तो उसने एक मतलब कहानी सुनाई थी करप्शन की, वो कह, हालांकि उसने हकीकत अगर मैं पर्सनली तौर पर बात करूँ ना, पर्सनली तौर पर वो बंदा करप्ट नहीं है खुद, लेकिन लेकिन वो था छोटे लेवल पर, उसने सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है, और आज आज जब मैं पैदा हुआ तब से मैं उनका वही घर देख रहा हूँ, तब वो जॉब करते थे और आज भी उनका वही घर है, वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई उसने को माल नहीं खरीदे, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने ईमानदारी से जॉब की है। तो वो करप्शन की बता रहा था, एक छोटी सी उसने मिसाल दी थी, तो उन्होंने कहा जो एयरक्राफ्ट बनते थे उनकी निगरानी उन्होंने कहा मुझे सौंपी गई थी कि जो उनका जो मलबा या उनकी जो स्पेयर पार्ट है, तो उन्होंने कहा कि मैंने पकड़ लिया, तो मुझे ऊपर से फ़ोन आ गया, चल बे छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो जो स्पेयर पार्ट्स ना उसका वो बता रहे थे आज से कम अज़ कम 30 साल पहले की बात है, 30 साल में वो उस वक्त करोड़ों के थे, उस वक्त करोड़ों के थे, चोरी छुपा दिए गए थे और वो बेचने थे बाहर या कहीं और। पाकिस्तान पाक आर्मी यार, ये कैसे ये कह सकते हैं कि हम किसी से वॉर जीतेंगे, वॉर ऐसे नहीं जीते जाते, वॉर नेक नीति के साथ, जज्बे के साथ और ईमानदारी के साथ, खलूस नीयत के साथ और लोगों के एतमाद के साथ लड़ी जाती है, और फिर कह सकते हैं कि जीती भी जा सकती है। कोई पाकिस्तान को देखें कि ये सिखाने वाले ये हैं। अब देखें कि बलोचों के जो बच्चे हैं बेचारों को, उनको भी गलत रास्ते पर लाने वाले ये जो एक तंजीम है, ये बूट हैं, ये लाने वाले हैं, और बलोच भी सही कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि सारा पैसा उनके हक का, उनके खाते का कुछ चाइना खा गया इनके जरिए से, और बाकी का जो स्मगलिंग कर रहे हैं जो सारा है वो ये खुद। पापा जॉन्स आसम फ्री बाजवा डायरेक्टर थे, उसमें सी पैक ऑन ड्यूटी थे, तो उन्होंने कहा कि आने दो पैसा, अरबों डॉलर उधर आया, उधर से ट्रांसफर किया बाहर और अपने बनाई कंपनी। जो ईमानदार अफसर है ना, अफसर है ये कांस्टेबल जो भी छोटे लेवल का, जो मैं सच बताऊँ तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात, वो भाई शुएब ने भी किया, पेट्रोल पंप पर रेट 290 चल रहा है, तो अगर जो ईमानदार है कोई कांस्टेबल है या कोई भी किसी भी फोर्स का, यकीन कर जाए वो कभी भी कोई चीज़ बना नहीं सकता, नहीं बना आज के दौर में कोई उस वो सेविंग नहीं कर सकता, कोई वो जमा पूंजी नहीं कर सकता, सिर्फ अपना पेट पाल सकता हो या अगर उसके बीवी बच्चे, बड़ी मुश्किल टाइम बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि कोई अफसर हो या छोटा वो अपनी पापा जॉन बना सकता। पापा जॉन तब भी बनते हैं जब करप्शन होती है। पापा जॉन को तुम छोड़ भी दो ना भाई, तो पाकिस्तान के जितने गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ना महकमे हैं, तो उनको देखो कि सभी में करप्शन होती है, जितनी हो सकती उतनी करते हैं। जो करप्शन है ना वो हमारे इस खून में शामिल हो चुकी है और ये कभी मिटने वाली नहीं। अच्छा आलोक सर ने बताया कि पाकिस्तान का 200 नंबर पे लीडर है, वाकई में वो एक वीडियो में कहा था, वो वीडियो हमने भी की थी, इंडिया में आई थिंक 90 रुपये 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसको कंपेरिजन किया था उन्होंने इंडिया अपना पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसको आलोक सर किसी भाई ने को पढ़ा होगा स्टैट, हमने तो भाई पढ़ी नहीं है, या वो इसका होगा कोई महर होगा, उसने फिर सारी काउंटिंग का कर दी कौन है, उस लिहाज से अगर चेक किया जाए ना सारा कुछ, तो ये पाकिस्तान में 138 रुपये होना चाहिए लीटर इंडिया के लिहाज से, तो फिर भी कहाँ 138 और कहाँ 290। अभी तो ये तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या,
आगे देखिए होता है क्या, अभी आगे पता क्या होने वाला है, भूचाल आने वाला है। अभी तुम्हारा बजट आएगा ना लग बता जाएगा, अभी बजट आना है आपका, बजट में जो उसकी सारी कार्रवाइयाँ डलनी है। लेकिन बात इतनी करें कि इंडिया के यहाँ वही इलेक्शन एंड पर भी बताया कि हमने पॉलिसी बनाई है, हमने स्ट्रेटजी बनाई, हम डिपेंडेंसी पेट्रोल पर डीजल पर कम करेंगे। मेरी बात सुनिए, ये तो इलेक्शन जो बात है कि ये वो देखें कि पॉलिसी बनाते हैं जिन्होंने तरक्की करनी होती, जिनका गोल होता है, गोल अचीव करना होता है। हमारा कौन सा गोल अचीव करना, हमारा है कौन सा टारगेट है? हमारा यही है कि पार्टी को तोड़ना है, अपनी मर्जी का जो है आर्मी अपना प्राइम मिनिस्टर लाना है हमारा ये, और इसमें तो वो कामयाब हो रहे हैं। उनके लिए को गोल अचीव करने वाली बात नहीं, तो नॉर्मल सी है, बस एक कॉल कर दे तो सारा काम सारा कुछ सेट हो जाता है, तो कामयाब हो रहे हैं। मैंने सुना है जो छह जजेस का सुन रहा था ना, बड़ा बेंच फुल कोर्ट बेंच जो समाप्त करने जा रहा था वो टूट चुका है, जस्टिस याही अफरीदी वो बेंच से ज्यादा हो चुके हैं, वो बेंच टूट गया, अब कोई कार्रवाई नहीं होनी, कोई सुनवाई नहीं होनी, कोई हो गई शायद अब, लेकिन लो लेवल पर उसका नतीजा कोई निकलना यार। यही जजेस जो छह जजेस ने खत लिखा है जुडिशियल कमीशन को, ये जलील होंगे, इनकी नौकरियां भी लगी जाएंगी, हाँ ये। इनके फाइलें भी खुलेंगी, इनके खिलाफ करप्शन के केसेस भी होंगे, उल्टा ये अताब का शिकार होने वाले हैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के। तुमने हमारे खिलाफ सच बोला क्यों है? क्यों हमें जो थोड़ा सा भी है ना, तुमने इशारा करने की भी कोशिश की है, आज हम उन जो जजेस है अगर हम उनके साथ मिल जाए ना, कसम से ये आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकेगी। हमारा चीफ जस्टिस ठीक हो जाए ना, वो सारे जितने भी हैं अपना जो जजेस हैं उनका तमाल में लेके हमने आर्मी का या किसी भी इदारे का बर्दाश्त नहीं करनी मुदाखलत है, कुछ भी हो जाए और फिर आवाम से मुखातब हो क्या आप हमारे साथ हैं, हम न्यूट्रल फैसला करना चाहते हैं, तो यकीन कर जाए एक महीना लगना है, आर्मी भटक भी नहीं सकती। अब जब जजेस ने यह कह देना है कि हमारे साथ हो रहा है निकलो बाहर, यकीन कर जाए देखें होता है इनके साथ आर्मी के साथ क्या है, लेकिन वो डरते हैं कि हमारे पास मुल्क के अंदर कहीं मतलब ना एमरजेंसी या कोई मार्शल लॉ दोबारा ना लग जाए, क्योंकि धमकियां मिल चुकी हैं ना उनको, मार्शल लॉ ये भाई ये मार्शल लॉ है, सिर्फ ये कि ऐलान नहीं किया हुआ वाजह तौर पर, इन्होंने ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा, हकीकत में मार्शल लॉ चल रहा है। चलो जी खैर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक यार इंडियन, आप खुश नसीब हैं कि आप एक बेहतर हमसे खैर काफ़ी बेहतर मुल्क में पैदा हुए हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक से आता तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।